ये क्या बोलते हैं, मम्मी बहुत ज्यादा खुश है। मतलब कि आप जानते हो ना कि हम लोग कितने दिनों, मतलब सालों बाद, मतलब सालों में दो तीन बार ही जाते हैं, वो बस फेस्टिवल में। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि मैंने बताया था ना, मम्मी मेरे को कुछ बाहर का खाने नहीं देती हैं। मम्मी ने आलू गुंडा बनाया आज, और पापा गए अपने ऑफिस काम से, और मम्मी यहाँ पे भाटा जला रही हैं अपने लिए। भाटा भरता बनाओ। भाटा भरता, यस भाटा भरता। आज तो सुबह सुबह ही अच्छा अच्छा नाश्ता मिल रहा है, लेकिन ज्यादा ऑयली ऑयली नाश्ता हो जाएगा। मैं सुबह सुबह ही कुछ भी बनाती हूँ तो दिखाने अच्छा लगता बच्चों लोग। लो भाई ठीक है, दिखा देते हैं इधर। ये देखो भजिया तल रही है मम्मी। तो हमारे पापा जी आ चुके हैं। पापा जी ये आलू गुंडा ही खाने आए हैं। मम्मी मेरे लिए बन रहा है बेटा। ये प्याज वाला नहीं खाऊंगा, एक प्याज दूर मिर्च वाला। ये मिर्च वाला तो पसंद करते भात सब। सिर्फ जोलो चिप चैलेंज करेंगे अपन। कब आएगा जोलो चिप? 22 को आएगा, लेकिन अपन 21 को चले जा रहे हैं, तो पापा रिसीव कर लेंगे उसको। पापा नहीं जा रहे ना, मिल जाता तो अच्छा। मम्मी लोग खाते थोड़ा सा रोते है। रोते ऐसे छोटा मोटा चीज नहीं है, जिस हिसाब से लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, देखना दो दिन दिखाओ ना। आप मेरे को नहीं खाना भाई, थोड़ा आप खिलाऊंगा ही नहीं, मैं ही खाऊंगा। नहीं खाओगे? इतना से खाओगे? हाँ थोड़ा सा खाऊंगा। एकदम एकदम ना, इतना दूंगा, इतना इतनी थोड़ी सी खाऊंगी मैं देखियो। पहले मैं टेस्ट करूंगा, देखूंगा कैसे लग रहा है, फिर दूंगा। हमारा भाटा भरता जल चुका है। अभी मम्मी बनाएंगी इनका भाटा का भरता। मम्मी खाई जा रही है, मैं सुबह से एक निवाला नहीं खाया हूँ अभी तक। फिलहाल मम्मी ने कोई चटनी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि किसमें खाऊँ, तो चिली सॉस है ना अपने पास, छोटू वाला चिली सॉस, इसमें खाते हैं, अच्छा लगता है, चटनी जैसे ही फील आता है। और अभी चल रहे हैं मेरे क्लासेस, तो मैं क्लासेस कर लेता हूँ। बहुत तेज बारिश होते हुए आज, लेकिन मौसम तो ऐसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि धूप आने की संभावना है, लेकिन क्या ही बोले, पूरा भीग गया, मैं बाहर गया था। मम्मी जी का अभी तक प्रेस नहीं हुआ है, और क्या बचा है? जाना है बिलासपुर, तो कपड़ा प्रेस नहीं करना पड़ेगा। जाना है, इसको पोज दो क्या स्क्रीन को, वैसे दिख रहा है। हाँ हो चुका है प्रेस जितना भी है। एंड गाइस एक और बात कि हम लोग 22 को नहीं 21 को जा रहे हैं। कल जा रहे हैं सुबह जन से, कल जा रहे हैं। हाँ कल 21 है, कल जा रहे हैं। तो जिन मैं रोज बोलता था ना कि 22 को जाएंगे, 22 जाएंगे, लेकिन नहीं 21 को जाएंगे। जो आज का ब्लॉग देखा वही जाने का, पता है पहले का ब्लॉग देखा सब मैं 22 बोलाऊंगा। अरे क्या गया मैं बगल में, दिल्ली आके बैठा था बगल में। अरे वो भीग गई है पूरी, कितने बाहर से कहाँ से आई है, ये बारिश हो रही थी ना, अभी तो कम हो गया, बंद हो गया। मैं यहाँ बैठ के सब्जी वब्जी काटती हूँ। यहाँ हवा आता ना, खुला हुआ रहता है। पापा इसलिए तो यहाँ पे ब्लू ब्लू वो लगा दिए, जिससे पानी ना छिटके यहाँ पे, वहाँ तक छिटकता है उसके। आज तो पानी इतना गिरा, कुछ माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो मैं राखी ठीक से खरीदी नहीं, मिठाई भी नहीं खरीदी, बहुत काम बचा। खरीद तो ली, दो दो दिन और नहीं पूरेगा, और खरीदना है। डब्बा डब्बा मिठाई एक एक घर में देना पड़ता है। अरे तो दो बार गए हो दुकान में, मेरे साथ कल गए, फिर परसों भी गए, और लगेगा। अब नहा लो, मेरी पानी गर्म हो गया, चलते हैं अपन नहा के आते हैं। हाँ चलो नहा लो, तब तो मैं खाना बना रही हूँ। तो पापा भी आ जाएंगे। पहले भाटा का भरता बनाई हूँ, दाल बनाई हूँ, और आलू की सब्जी बनाई, जो खाना है जो खाना है, क्या वही तो खाना है, और क्या। पापा जी भी आ चुके, मैं जल्दी से जाता हूँ, नहा के आता हूँ। और मम्मी जी कहाँ जा रही हैं आप? बाजार जा रही हूँ बेटा। आप जॉब में नहीं जा रहा हूँ? मैं अकेले जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक घंटा सो जाओ। ठीक है बहुत, आएंगे तो वीडियो बनाएंगे। क्या बोलना चाह रहे हो आप? 6-7 वीडियो बनेगा आपका, क्यों? अभी 3-4 दिन का कोटा बना लेना है ना। 3-4 दिन कोटा मतलब कि हम लोग 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं ना मामा के घर, तो अगर मेरे पास वीडियो नहीं जाएगा तो फिर कैसे करूँगा मैं? तो इसलिए पापा बोले कितना टो बोले? 6 करीबन, 6 लगभग, 6 ठोक। कैसे डीपी में रखना? ड्राफ्ट में, प्लस पे जाओ। जस्ट मम्मी को फ़ोन आया, मम्मी ने बोला कि सारे कपड़े उठा ले, बारिश होने वाली है, और सही में बारिश होने वाली है। टाइम है होगी पक्का, हिसाब से वेदर है। जस्ट अभी मौसम मतलब चेंज हो गया, मैं सोच रही आज वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मम्मी बोल रही है मेरे को लेट हो जाएगा, क्योंकि अपने को कल निकलना है ना। तो वो कपड़े गीले हैं, आज धूप निकला ना, मम्मी सोच रही थी कि सारे कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अपुन रेडी हो चुका है, एंड मम्मी पापा वीडियो बना रहे हैं अभी। पापा हाय। पापा बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि केक वाला जो था ना वीडियो, उसको बना लिया जाए, क्योंकि लगभग 3 दिन हो गए हम लोग बनाए नहीं हैं इसको। कहाँ जाऊँ रे, जगह ही
ठीक है। ओ भाई कैंडल। गाइस लगता है केक वाला वीडियो आज भी नहीं बनाने देंगे पापा। गाइस केक का मर्डर होने वाला है। ये रहा आपका केक। वीडियो कंटेंट है ना, किसी का बर्थडे नहीं है ना, कि बर्थडे नहीं है ना, नहीं पापा का बर्थडे आज। और केक मर्डर हो चुका है। 20 के सून, मतलब 20 के होने वाला है, अभी 19 के आसपास हो खाली बचा है। पासा हो गया हां। एंड हमारे भालू जी सोए हुए हैं। अब पापा डांट रही हूं तो पहले ही कर देती। केक को हमने नहीं खाया पूरा, क्योंकि मम्मी बोली टिफिन में काट काट के हम लोग वहाँ ले जाएंगे, मामा का ले जाएंगे। वो वहाँ पे रहते हैं ना मामा के लड़के, गोरा काली करके उनको देंगे करके। थोड़ा ठीक है मम्मी, वैसे हम ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि चेरी फ्लेवर था यार ये तो। पैकिंग वैकिंग करना है ना, जाना है कल बिलासपुर। हम लोग सवेरे उठ के 5 बजे उठना है कल। बाप रे पैकिंग कर राखी के बाद जो भी चैलेंज वीडियो हो हम बनाएंगे। मम्मी अभी पैकिंग कर रही है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और बहुत ज़्यादा खुश है ना क्योंकि मामा घर हमेशा जाना नहीं होता हमारा, साल में 2-3 बार ही जाना होता है बस। तो मम्मी खुश जाती, हर कोई खुश जाएगा ना। मम्मी जी पैकिंग हो गई। हाँ बेटा हो रहा है। तो गाइस मम्मी देख रही है अभी अपना सीरियल, खाना वाला सब बनाना कम्प्लीट हो चुका है, खाना वाला सब बन गया। हमारा क्या चल रहा है अभी पैकिंग की भी देखो गाइस। तो कौन सा सॉस ले जाऊंगा बोला था, गुलाबी वाला डाली हूँ और हरा वाला डाली। गुलाबी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पिंक वाला। पिंक वाला नहीं, रेड वाला है सर। वैसे दिखता है वो पिंक पिंक, लेकिन है मैरून। मैरून वाला डालने बोला था और ग्रीन, और एक जो उस दिन मैं पार्टी पहन के जाऊंगा कल बोले। हाँ ग्रीन पहन के जाऊंगा, ग्रीन पहन के जाएगा। और बाकी मैं 2 कलर का डाल दी हूँ, और घर पहनने का हाफ पैंट टी शर्ट सब डाल दी। एक सेकंड चेक करना पड़ेगा अपने को। बाप रे कितना भारी हो गया, यही चेक कर रहा था मैं। और पूरा मेरे को उठाना पड़ता है बोझा। बाप रे दिखा 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 रही है। अरे मेरे मायके जाने तैयारी हो गया बेटा। गाइस मैं मायके जा रही हूँ। ये क्या बोलते हैं, मम्मी बहुत ज्यादा खुश है, मतलब की आप जानते ना कि हम लोग कितने दिनों, मतलब सालों बाद, मतलब सालों में 2-3 बार ही जाते हैं वही बस फेस्टिवल में। मम्मी लगभग 6 महीने के बाद जा रही हैं और हम लोग खुद 6 महीने बाद जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मामा मामी को बहुत ज़्यादा याद आता है ना, हम लोग बहुत दिन से नहीं मिलते, महीनों से नहीं मिलते हैं। मम्मी कैसा फील हो रहा है, कल जाएंगे तो? अच्छा फील है, मेरी बहन भी रहती है, मतलब मौसी भी रहती है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कल जाने के लिए। मम्मी जी एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, 3 तो बज ही जाते हैं एनी हाउ। जल्दी चालू हो जाए ना, अभी चालू हो जाए। नहीं अम्मी ऐसा नहीं होता, पूरा लास्ट तक देखने के बाद ही मेरे को ब्लॉग एडिट करना बनता है। हम अपना काम करते हैं। अभी मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश मायके जाने के लिए। अभी थोड़ा सा फेस को भी साफ कर लूंगी। मेरा भी हाँ ठीक। क्या लगाओगे? उस दिन तो लगा दिए थे आप, भूत बना दिए थे। नहीं आज खाली मैं अपने चेहरे को दूध से साफ कर दूंगी। कच्चा मेरे में बेसन लगा देना। हाँ कुछ भी लगा देना। ठीक है कुछ भी लगा देना, बस लेकिन थोड़ा सा गोरा कर देना। पापा ने आज पूरी वीडियो अपने ही बनाई है, हमें को बिल्कुल बनाने नहीं दिए। कल तू बनाया था तो पापा तो नहीं बनाए थे। ऐसे नहीं, हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, तो हम लोग 3 दिन का वो है ना जाने का ट्रिप है। ट्रिप है वो भाई, ट्रिप जा रहे हैं मामा का ट्रिप, मामा का ट्रिप 3 दिन के जाएंगे अपन। सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, ट्रेन 7 बजे रहती है लगभग, और 8:30 में अपन पहुँच जाते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। मतलब बहुत ज़्यादा पास है अपने यहाँ से। तो फिर मामा घर पहुँच के जो भी है जैसा भी है 22 को राखी है, देखते हैं क्या होना है वहाँ पे। तो फिलहाल कुछ नहीं यार, हम लोग जाएंगे खाना खाने, उसके बाद तुरंत सो जाएंगे सब। तो फिलहाल मैं एक ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि ना मेरे को ना एडिट भी करना है। तो फिलहाल हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे दाइन। पता है बहुत जल्दी एंड कर रहा हूँ मैं, हमेशा रात के 12-1 बजे एंड करता हूँ, लेकिन अभी बज रहे हैं 10, तो मेरे को अभी एंड करना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। मैं तो नहीं सोऊंगा, मम्मी 5 बजे उठ जाना है मेरे को कल, ठीक है पहले। तो फिलहाल हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे दाइन। अगर ब्लॉग सच में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, 20 की जल्दी होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा। मैं मारो थप्पड़, मारो बीच में थप्पड़, मतलब कि उसमें स्क्रीन दबाओ ना, नहीं जोर से, नहीं नहीं इस पे नहीं आता, अरे करो ना, मैं कर रहा हूँ। 1 2 3 टाटा। अरे नहीं गलत, नहीं आता है, अरे रुको ना। 1 2 3 टाटा जी। ये झाड़ू कैसा हो गया मम्मी? कल बिलासपुर से अपन जाएंगे ना, तो लेके आ जाएंगे अपन, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पे मम्मी बना रही है स्क्रब, तो इसमें क्या क्या मिलाई मम्मी? कच्चा दूध, चावल आटा और थोड़ा सा कॉफ़ी एंड थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो ये अपना मम्मी का स्किन केयर रूटीन। थोड़ा सा हनी डाले हो? हाँ ठीक है। और उस पर क्या है मम्मी, कॉफ़ी है क्या? ठीक है मम्मी, मेरे को भी लगा देना थोड़ा सा। ओके डन, मिला लिया, हो गया। हाँ।